भैयादूज के अवसर पर महानगर में गोवर्धन पूजा कर महिलाओं ने अपने भाइयों की सुख समृद्धि सहित उनके लंबी उम्र की कामना की। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से गोवर्धन पूजा प्रारंभ हुई है। इसमें हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन या प्रांगण में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन करते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान पर्वत को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा करने के पीछे यह भी धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों की इंद्र से रक्षा की थी। माना जाता है कि इसके बाद भगवान कृष्ण ने स्वयं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया था। तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा आज भी कायम है। इसके अलावा महिलाएं भैयादूज का पर्व भी मनाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुना के अनेकों बार अपने घर बुलाने के बाद यमराज इस दिन उनके घर गए थे। अपने भाई के आने की खुशी में यमुना ने यमराज को तरह तरह के पकवानों का भोजन कराया और तिलक लगाकर उनके खुशहाल जीवन की कामना की थी। प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से कोई वरदान मांगने को कहा, तो ऐसे में यमुना ने कहा कि आप हर साल इसी दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया को मेरे घर आना और मेरी तरह जो भी बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करेंगी उसे तुम्हारा भय नहीं रहेगा। कहते हैं तभी से भाई दूज की शुरुआत हुई और बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पारुल, नुपुर और शशिकला ने कहा। शुक्रिया शुक्रिया माते की विद्या।
ये भाई दूज का पूजा होता है, गोवर्धन पूजा हम लोग का बहुत फेमस पूजा होता है, बहुत अच्छा होता है। भाई का पूजा होता है, इस दिन बहनें भाई के लिए व्रत रहती हैं। अभी एक सुपारी भी आप लोग तोड़ रहे हैं? हाँ, सो हम लोग सुपारी तोड़ते हैं, फिर पानी मुंह में डाल के अपना सुपारी तोड़ के फिर उसके बाद भाई को यहाँ का चना ले जाते हैं, खिलाते, फिर अपना व्रत तोड़ते हैं हम लोग। तो भाइयों के लिए क्या कामना करते हैं? भाइयों की लंबी उम्र के लिए, नूपुर श्रीवास्तव। ये हम लोग भाई दूज का त्यौहार मना रहे थे जो दिवाली के दो दिन बाद पड़ता है, और इसमें हम लोग भाई की लंबी उम्र की कामना करते हैं, गोवर्धन का स्वरूप बनाते हैं, फिर उस पर हम लोग सुपारी जो रहता है, सुपारी और ये चना, इसको कूटते हैं, भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं, अपना भजन कीर्तन करते हैं, और यहाँ पे जो गोवर्धन भगवान बने हैं उनके बीच में मतलब ये प्रसाद रख के उसको कूटते हैं कि मतलब जितना भी दुख तकलीफ़ है वो सारे उसमें कूट जाएँ, भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। तो भाई दूज की पूजा होती है और इसमें मुख्यतः गोवर्धन की पूजा हम लोग करते हैं। इसको देखा जाए तो वैज्ञानिक तरीके से भी अगर देखा जाए तो गोवर्धन की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि सारी गंदगी जो साफ हुई रहती है उसको ले आ करके हम लोग फिर अपने भाइयों के लिए जितने भी दुख कष्ट है उसको दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे भाई के जीवन में दुख कष्ट है वह दूर हो जाए। कहा तो ये जाता है कि एक बार यम की बहन थी यमुना, यमुना यम को बहुत बुलाती थी और यम कहते थे कि देखो बहन, हमको कोई नहीं बुलाता है और तुम बहन होके भी मुझे बुलाने की कामना करती हो। तो एक दिन बहन इनकी बिल्कुल जिद में बैठ गई, कहीं नहीं भाई, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। तो उस दिन यमुना के यहाँ पहुँचते हैं और यमुना इनका बड़ा स्वागत करती हैं, इनको टीका करती हैं, तिलक करती हैं, इनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। उस दिन से कहा जाता है कि मतलब भाई जो हैं अगर बहन के यहाँ जा करके भोजन ग्रहण करें या कुछ भी जलपान कर लें तो उनके घर धन धान्य सुख समृद्धि भाई और बहन दोनों के घर में आती है। इस तरह से ये भाई दूज के रूप में हम त्यौहार को मनाते हैं। इसको कूटने के बाद जो सुपारी हम मुँह तक कूटते हैं वो भाई को खिलाते हैं, और तिलक करके जो यहाँ का टीका होता है वही ले जाकर भाई के माथे पर तिलक करते हैं और तिलक लगा के भाई की लंबे उम्र की कामना करते हैं।